खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक चाय वाला 10 लाख का सूट पहन ले, 15 लाख की मशरूम खा ले, लोग कहते हैं गरीबी नहीं हटी। नेहा जी, आप जवाब दीजिए। शुरुआत यहीं से, ठीक है, शुरुआत यहीं से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डर लग गया क्या बीजेपी को? फॉरन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरुण जेटली मैदान में आए। पहले तो सभी को नमस्कार और धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। रूबिका जी, आपका भी देहरादून में स्वागत है। थैंक यू। और 72,000 का ये जो वादा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत से पहले मैं बात करूंगी, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी, जिस दिन राहुल गांधी जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था 72,000 रुपए हम देंगे हर साल, मजा आया, ये थे उनके एक्सप्रेशन। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, इन्होंने देश को हमेशा अपनी जागीर समझा है। 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा 1971, 48 साल बाद इन्हीं की सरकार रही, लेकिन नेहा लेकिन आज भी वो नारा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गरीबी को फैशनेबल बना के राजनीति की है रूबिका जी, कि सिर्फ गरीबी को फैशनेबल बना के राजनीति की है। 15 लाख की बड़ी डिमांड है किशोर जी। मैं ये जनता है, ये जनता है, आप अपनी बात रखिए, ये जनता है। हाँ, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, एक मिनट। देखो नेहा हमारी युवा साथी है और आप एक चीज देखिए, रूबिका जी आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मैं समझ नहीं पाया। जो आज हमारा घोषणा पत्र रिलीज हुआ है, मैं ये समझता हूं कि उससे जो बड़ा बिंदु है वो आपके लिए, 72,000 छोड़ दीजिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम सरकार बनाएंगे, 33% सरकारी नौकरियां आपके खाते में आएंगी और उसके साथ साथ विधानसभाओं से लेकर के, जैसे राजीव जी ने 72-73 जो अमेंडमेंट है जिससे आप गांव में पंचायतों में बहनों को देखते हो 50%, उस तरह से 33% विधायक आप बनेंगी, उसमें आप भी चुनाव लड़ने ना, मैं तो आपका स्वागत करता हूं। रूबिका जी, आपको विधायक बनने के लिए कांग्रेस की जरूरत और, है और, यहां जितने लोग बैठे हैं इन्हें देश में आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस की जरूरत है, बताइए मुझे। तो वो 33 कांग्रेस की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, स्वाभिमान से इस देश में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी के पंजे की जरूरत है, जो सिर्फ हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। नेहा जी, मैं एक किशोर जी, एक सेकंड आप लोग रुकिए, किशोर जी सुनिए, किशोर जी, किसानों के लिए आयोग बनेगा मैनिफेस्टो में एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। बिल्कुल, तो 65 में झा कमेटी किया थी सर, 79 में सेन कमेटी किया थी, 90 में हनुमंत राव कमेटी किया थी, 2005 में अलग कमेटी किया थी, 2004 में स्वामीनाथन कमेटी किया थी। ये मेरी तैयारी है सर, मैसेज नहीं है, ये मेरी तैयारी है। हाँ सर बताइए, ये सारी कमेटियां क्या थी? उसका कल्मिनेशन आपने राजस्थान में देखा, आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा है, जब हमने किसानों के ऋण माफ किए हैं और वो भी जैसे सरकार बनी सबसे पहले किया है। तो अगर ये सारी कमेटियां नहीं बनती, किसानों के बारे में पता नहीं होता, तो ये सब जो है आज कहां से हो पाता? एक रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने छाती ठोक के वादा किया था कि 10 दिन के अंदर अगर ऋण माफ नहीं हुआ, आप मोदी की बात लीजिए ना, आपको राहुल गांधी से क्यों इतना प्रेम है? आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कीजिए ना, उनके वादों की बात कीजिए ना, लोगों को बरगलाने की बात कीजिए ना, ये लोग करते आ रहे हैं रूबिका, आप उनके, मैं मुझे ये बताइए, राहुल गांधी के मुझे नेहा है, नेहा गरीबी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल से पूछना चाहती हूं, 72,000 रुपए पर साल कहां से लाएंगे बता दे जरा, सब बैठे सुनने को, कहां से जाएंगे, कहां से लाएंगे, कहां, एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, कहां से लाएंगे सर, कहां से लाएंगे? ये हम वहां से लाएंगे, जो अभी तक कोई कांग्रेस का नेता नहीं बता सारे पाया के सारे, कि कहां से लाएंगे, नहीं कितना, आप बताइए ना, आप बताइए उसका 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 कितना खर्च आ रहा है, जितने सारे मोदी बाहर पैसा लेकर के भाग गए, अरे वो सबको वापस लाएंगे ना, हम थोड़ी है, जुमलेबाजी मत कीजिए, हम वो लोग नहीं है, 1,00,000 ये काला धन आएगा, 15 लाख देंगे, 25,000 की पेंशन लगाएंगे, आप नेहा जी हम लोग नहीं है,
फर्टिलाइजर सब्सिडी हटाएंगे, खाने की सब्सिडी हटाएंगे, मनरेगा हटाएंगे, क्या हटाएंगे बता दीजिए। हम मान लेते हैं, मैं भी जाके कांग्रेस सवाल तो इम्पोर्टेंट है, अगर देंगे तो मैं भी। कौन नहीं चाहता है कि देश की गरीबी हटे? कौन नहीं चाहता है कि देश की गरीबी हटे? कौन नहीं चाहता है कि गरीब जो है वो गाड़ियों में घूमे, मॉल में घूमे, सच में सोने के आलू उगाए? कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? लेकिन लेकिन आप मुझे ये बताइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, सर मुझे ये बताइए, ये पैसा आएगा जीडीपी पर कितना बोझ डालेंगे, कैसे नहीं, डालेंगे? हमने तो, कैसे हमने तो आज ये भी कहा है कि हम शिक्षा का बजट जो है 6% बढ़ा देंगे, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करेंगे ना, अपने संसाधनों को बढ़ाएंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे क्या? मैं नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 5 साल से एक भी टैक्स नहीं बढ़ाए, टैक्स बढ़ाएंगे क्या सर? जिनके खुद के नेता बेल पर हो, जीजा जी बेल पर, राहुल जी बेल पर, सोनिया जी बेल पर, पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार ने, सुनिए सवाल है, 1000 करोड़ रुपया कम किया है, और राहुल गांधी की घोषणा के हिसाब से अभी 6% होने पर उसका 3 गुना बढ़ेगा, क्योंकि अभी जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च हो रहा है, इसलिए शिक्षा का स्तर हमारा गिरता चला जा रहा है। एंकर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, आपने किशोर उपाध्याय जी से 6 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, क्या आप पिछले 5 सालों में अपना मोदी जी के रिलेटेड कोई 2 करोड़ नौकरियों की क्वेश्चन पूछा अभी तक आपने नेहा जी से? आपने पूछा कि 15 लाख रुपए? अच्छा, आप और मैं डिस्कशन करें, चलिए वहाँ बैठे, नहीं वहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। आप कितने शो देखते हैं, सीधा सवाल, कितने शो देखते हैं? नहीं मैं, हाँ, और 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 उसके बाद कल आपने मेरा शो देखा था? मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, आप आ जाओ, आना चाहिए। परसों का देखा था, नौजवान साथी है। कौन सा किया था मैंने शो? परसों आपने, उससे पहले का देखा था? मैं कंटिन्यू देखता हूँ। और आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ की मैंने सवाल नहीं की बात करूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपने ठीक है। हाँ नेहा जोशी, नेहा आप 2 करोड़ का मुझे जवाब दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक सेकंड, जो पीछे महिलाएं हैं यहाँ पर देहरादून की, मैम मैं इनसे पूछूं? अब आप कहेंगे उनसे पूछे, फिर वहां मर्दों की लाइन शुरू हो जाएगी, तो महिलाएं कैसे अपनी बात रखेंगी? हेलो, मेरा ये सवाल है कि हमेशा उत्तराखंड के जो विकास के लिए हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ही वेस्टर्नाइजेशन ही मॉडर्नाइजेशन है, मेरा ये सवाल है। और कौन कर रहा है मॉडर्नाइज को? मैम, हमेशा से आप देखते रहिए, जब भी विकास की बात होती है हम हमेशा बाहर के मॉडल्स को ही अपना कर देखते हैं कि जैसे वाराणसी क्योटो बनेगा। बहुत अच्छा, रूबिका क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? तो आप वाराणसी को क्योटो तो आप ही बना रहे थे। सुनिए, क्योटो पैरामीटर की बात थी, सफाई करने की बात थी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्योटो वाले देख के करेंगे कि हमें वाराणसी बनना है, ये उस तरह की बात। तब कांग्रेस की सरकार होगी, तो तर्क का कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा सवाल मेरी युवा साथी ने किया कि क्यों हम हमेशा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लगते हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कल्चर और मॉडर्निटी में बैलेंस बनाएं। अगर आप प्रसाद योजना देखें, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारे चारों धाम है, जहां लाखों पिलग्रिम्स हर साल आते हैं, उनके महिलाएं जो है वो प्रसाद बना रही हैं और लाखों को कारोबार हर साल कर रही है। मैंने कल्चर में और मॉडर्निटी में योजना उन्होंने शुरू की है, मैंने शुरू करवाई थी मेरी सरकार में, मैं अध्यक्ष था। मैं कह रही हूँ ना, ये आइडिया लेके आते हैं, अभी बात चल रहा है क्या है, पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपस में बांटने में रह जाते हैं लोग। इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको मोदी की जरूरत पड़ती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे मुझे हाथ उठाकर ये बताइए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कितने लोग इम्प्रेस हुए और किसको लगता है कि ये भी जुमलेबाजी है? रूबिका जी, सैनिक प्रदेश में आप आई हुई हैं और कहा है सैनिक यौन हिंसा करते हैं कश्मीर में, ये घटिया बात इनके मैनिफेस्टो में है, बताइए जवाब। सैनिक प्रदेश में खड़ी हैं आप, इन्होंने तो वहाँ सैनिकों पर देखे, आप नैरेटिव को मत बदलिए, मैं आपसे नैरेटिव नहीं बदल रही हूँ सर, मैं आप बताइए जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो के पेपर, मैनिफेस्टो का 40वां पन्ना ये कहता है कि एफ्सपा को रिव्यू किया जाएगा, इसका क्या मतलब है सर? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम नैरेटिव को न बदलें, क्योंकि भाजपा की ये आदत रहती है कि वो गौ से शुरू करते हैं। शुरू में आपको याद है 65-66 में
फिर राम मंदिर पर आते हैं, फिर जाकर के हिंदू मुसलमान पर आते हैं, नैरेटिव नहीं है, बस गरीबी हटाओ की सुरक्षा, अपनी गरीबी हटा पाओ और ये नैरेटिव नहीं है, अपने ये राष्ट्र की सुरक्षा नहीं, 2002 नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा। मुझे दो मिनट बोलने दीजिए, आपका जो 2014 का मैनिफेस्टो है उसके कितने वायदे पूरे के पहले ये बताइए। नया जल्दी बताती हूँ कितने वादे पूरे जी, एक एक करके मोदी को आना पड़ा टॉयलेट बनाने के लिए, कोई ये काम 2009 का इनका मैनिफेस्टो, 2004 का इनका मैनिफेस्टो, भाजपा की सरकार ने इलेक्ट्रीफाई कर दी, 4 करोड़ व्यापारी ने आत्महत्या की है, एक एक करके सर, एक एक करके, हाँ 15 करोड़ कनेक्शन 50 साल आजादी के बाद 15 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पहुंच पाए थे, 3 साल में 10 करोड़ कनेक्शन हमने दिए हैं।